जनता की आवाज और जनता का मुद्दा उठाने पर जिला प्रशासन ने जनपद अध्यक्ष सहित जन प्रतिनिधियों पर FIR दर्ज कराई। जनपद अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से दर्ज की गई FIR को वापस लेने की मांग उठाई है। साथ ही रीवा में मीडिया से रूबरू होते हुए जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि हम सभी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। यह हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे क्षेत्र हमारे जनपद कार्यालय से विकास यात्रा की शुरुआत की जा रही थी और इस संबंध में हमारे जनपद के सभी पंच, सरपंच एवं जनपद सदस्य उपस्थित थे। सारे लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्या बताई, जिस समस्या में हम सभी ने ये कहा कि हमारे क्षेत्र में 200 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं एवं मवेशियों का प्रकोप पूरे क्षेत्र में बढ़ रहा है, जबकि हम सभी जनप्रतिनिधि लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। हम सबके ऊपर की गई FIR एक तानाशाही रवैया है, जिसे तुरंत ही वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम पर इसी तरह मुकदमे लगाए गए तो आक्रोश और बढ़ेगा, साथ ही ये संविधान का गलत इस्तेमाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले एवं जनता की समस्याओं का हल करने वाले अधिकारियों के तानाशाही रवैये का विरोध कर रहे हैं। 9 नामजद और 200 अन्य जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगाए गए मुकदमे यदि वापस नहीं लिए गए तो 7 दिन बाद मनगवा तहसील का घेराव किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन मनगवा विधानसभा के जनप्रतिनिधियों एवं जनता जनार्दन द्वारा किया जाएगा। रीवा मध्य प्रदेश से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। आपको विदित है कि पूर्व में हम सब ने विकास यात्रा के दिन हम सभी जनप्रतिनिधियों को जनपद में कार्यालय में आमंत्रित किया गया था। आमंत्रण के दौरान जब विकास यात्रा की थीम वहां पे प्रकट की गई और बताई गई कि ऐसे ऐसे योजनाएं हैं, तो हम सब जनप्रतिनिधियों की जो समस्याएं थी, सरपंच पंच सभी साथी वहां उपस्थित थे। सभी साथियों ने इस बात का उल्लेख किया कि विकास यात्रा निकाली जाए, इस बात का किसी का कोई विरोध नहीं है, पर हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर विचार किया जाए, उनको देखा जाए। जैसे कि हमारे क्षेत्र में 200 ट्रांसफार्मर जले हुए थे, केबल खराब है, रोड 230 ऐसी सड़कें हैं हमारे विधानसभा में कि जो जिनकी हालत ऐसी है कि एक बार बारिश हो जाने पर ग्रामीण इलाकों में आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव से सरपंच अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, सचिवी व्यवस्था नहीं है, तो पंचायत राज जना अधिकार ने ये निर्णय लिया कि भाई हम ऐसे उद्देश्यों का और ऐसे कार्यों का जिसमें हमारा हित नहीं, जिन जनता ने मुझे चुना हम उसका कोई दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम सब इस आयोजन से अलग होंगे और इस आयोजन में भाग नहीं लेंगे। उसके बाद आप सभी मीडिया साथियों को ये जानकारी भी हुई कि हम सभी 9 चिन्हित लोगों के ऊपर जो समाज की बात को, अपने क्षेत्र की समस्या को ताकत से रखते हैं उनके ऊपर और अन्य जो 200 जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे उनके ऊपर FIR अज्ञात के रूप में कायमी की गई, जो कि पूरी तरह से गलत है। आप समझिए हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरी स्वतंत्रता है। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि हर भारत का नागरिक अपनी बात रख सकता है। हम सब तो लोक सेवक हैं, अगर अधिकारी परीक्षाओं के माध्यम से चुने जाते हैं, हम सबको जनता चुनती है, तो हम लोग भी तो लोक सेवक ही हैं, तो क्या हम अपने सदन में अपनी बात को नहीं रख सकते? ये हमको अधिकार नहीं है क्या? जब हमने अपनी बात रखी, हमारी बात को दबाने का पूरा प्रयास हुआ और बात दबाने के लिए हमारे ऊपर मुकदमे कायम कर दिए गए। 20 साल का उस पर जो पत्र है उसमें लिखा है कि जनप्रतिनिधि विकास के जो राशि किस पंचायत में कितनी खर्च हुई 20 साल का उसका हिसाब लेके जाएगी। मेरा पूरी जिम्मेवारी के साथ विकास जी पे FIR हुई है, सब पे हो जाए, हो सकता है आप सही बोलें आप पे भी हो जाए। एक सवाल है कि कोई भी विकास की जानकारी हमें नहीं दी जाए। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, जितनी विधानसभा की राशि जनपद बार
पंचायत बार दिए हैं वो अपनी राशि का खाका देके और जिस उद्देश्य से जिस कार्य के लिए दिए हैं उस कार्य को चल के आपके सामने प्रैक्टिकल पोस्टमार्टम करा दें, और अगर नहीं मिलता तो फिर क्या उन पर कार्यवाही होगी। इसलिए कि आप 10 रुपये हमें देते हैं सब्जी लाने के लिए, मैं आपका अगर घरेलू नौकर हूँ तो आप देखते हैं कि 10 रुपये की सब्जी आई है कि नहीं आई है। अगर जनपद की राश में या पंचायत में राश सांसद महोदय या विधायक महोदय एक पंचायत को 10 लाख देते हैं तो उनकी क्या जिम्मेवारी नहीं है कि उस 10 लाख में क्या हुआ। फिर विकास की बात, आप सब आंकड़े की और सैद्धांतिक बात करिए और उस पर उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला इसी तरह से सवाल करिए। ओ मेरी बहन, ओ मेरी माता और ओ चाची काकी, जो 2000 रुपये में रसोइये का काम 10 साल पहले से कर रही थी, इस महंगाई में 2000 से चलेगा क्या? ओ NM आशा उषा कार्यकर्ता, जिस स्तर से महंगाई बढ़े, माननीय विधायक माननीय सांसद महोदय के वेतन भत्ते और बढ़े हैं उस स्तर से माननीय पंच के, माननीय जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के अगर बात करें तो FIR। दूसरी बात कि जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है सामान्य प्रशासन और सामान्य सभा में, लोकसभा और विधानसभा में माननीय राज्यपाल जी का आदेश नहीं चलता कि माननीय राज्यपाल के मौखिक आदेश से, माननीय राष्ट्रपति के मौखिक आदेश से हो गया, तो फिर हमारी जनपद की जो वाडियाँ हैं, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ और एक सामाजिक संगठन का, रजिस्टर संगठन का संयोजक हूँ, अध्यक्ष हूँ, जो मैं देखता हूँ और सुन रहा हूँ कि क्या ये जो इकाइयाँ हैं, चाहे सरपंच हूँ, चाहे जनपद हूँ या जिला पंचायत हो, अगर माननीय विधायक माननीय सांसद महोदय का ही अतिक्रमण और आदेश चले तो सामान्य प्रशासन और सामान्य सभा के जो प्रस्ताव हैं आखिर वो कहाँ लागू होते हैं। और नई गढ़ी के बारे में तो देवेंद्र दादा करीब से आप देख रहे हैं, बबली सिंह जी भी देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा था। वहाँ भी इसी तरह से विकास जी की तरह उकसाया जा रहा था कि वहाँ की जो महिला जनपद अध्यक्ष हैं वो भी कुछ ऐसा कर दें तो उन पर भी FIR की पूरी प्लानिंग रही होगी। इसलिए कि इतना जनपद